देखिए, मानसून की मार से पहाड़ से मैदान तक लोग मुसीबत झेल रहे हैं। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। टूट रहे पहाड़ लोगों के लिए आफत का सबब बने हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रहे भूस्खलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं और उन्हें सुरक्षित निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। एक रिपोर्ट। देवभूमि में दरकते पहाड़ बने मुसीबत का सबब। बद्रीनाथ हाईवे पर सबसे ज्यादा दिक्कत। जगह जगह गिर रहे बड़े बड़े पत्थर। लोगों को सुरक्षित बचाने की चुनौती। मूसलाधार बारिश से भी बढ़ रही आफत। जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड में जगह जगह टूटते पहाड़ परेशानी का सबब बन गए हैं। भारी बारिश के साथ भूस्खलन की वजह से राज्य के पहाड़ी जिले बेहाल हैं। कुदरत का कहर देखकर लोग सहमे हुए हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर दहशत का ये सबूत देखिए। पहाड़ के नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तभी अचानक एक बड़ा पत्थर गिरता है। मौके पर चीख पुकार मच जाती है और लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागते हैं। तस्वीर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे की है, जहां जोशीमठ डंपिंग जोन पर पहाड़ टूटने से आफत बढ़ गई है। चमोली जिला भयंकर तबाही का सामना कर रहा है। बीते कुछ दिनों में लगातार पहाड़ टूटने की तस्वीरें आई हैं। बड़े बड़े पहाड़ कुदरत के आगे लाचार हैं। देखिए कैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन के बाद कई सड़कें बंद हैं। जेसीबी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। इसके बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक जगह अगर सड़क खुल भी जाती है तो दूसरी जगह लैंडस्लाइड होने से आफत बढ़ने लगती है। मानसून की शुरुआत के साथ ही पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हो रही है। चारधाम यात्रा के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा में भी श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन जगह जगह सड़कें बंद होने से उनकी मुसीबत भी बढ़ी है। जोशीमठ में जोगीधार के पास हुए भारी भूस्खलन की वजह से यात्री मुसीबत में हैं। प्रशासन की टीम यात्रियों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद में जुटी है। देखिए किस तरह जान जोखिम में डालकर पैदल यात्री सफर कर रहे हैं। टू व्हीलर पर सवार यात्री भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे हैं। पल पल भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए हर कोई जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता है। प्रशासन के सामने भी मौजूदा हालात से निपटना बड़ी चुनौती है। जिस तरह लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं, उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के यमकेश्वर की ये तस्वीर देखिए। हर तरफ तबाही के निशान हैं। लोगों के घरों में मलबा भर गया है। एक हफ्ते बाद भी यहाँ हालात नहीं सुधर पाए। आफत इतनी ज्यादा है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तीन चार दिन पहले का पहले आया था, उसके बाद लेटेस्ट कल भी आज सुबह भी बहुत दोबारा यहाँ पे लगातार बना हुआ है बंजर इसका। और इस तरह में कोई इसके लिए हमने पहले भी ट्रीटमेंट के लिए भी इसके लिए अप्लाई किया था। मैंने मुख्यमंत्री को भेजा था, डीएम साहब को भेजा था, और मैंने यहाँ पे सांसद जो भूतपूर्व सांसद थे उनको भी दो बार ज्ञापन दिया था। यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण भी करवाया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सरकार ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। कल रात करीब 3 बजे बारिश पड़ी और ऐसी आवाज़ आई, हम यहाँ से भाग गए। भागने के बाद नीचे गए, फिर उसके बाद सुबह जब देखा तो हिसाब किताब खराब था। कोई सहयोग आज तक कोई नहीं आया। पिछले वर्ष भी टूटा था, उस टाइम में कोई सहयोग नहीं है। विधायक आई थी और यहाँ से आते हैं नीचे कोई इनका विधायक लोगों का कोई अपना मंत्री होगा साथ का, कोई उधर ही निकल गया। गाँव का कोई मुआयदा नहीं किया गया और आने वाले समय में भी अभी कोई विधायक कोई नहीं आया, ना कोई यहाँ पे कोई मंत्री आया, कोई मतलब प्रशासन को यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पहुँचा। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और लोग प्रशासन के रवैये से भी नाराज हैं। भारी भरकम मलबा यहाँ पे ही है। स्थानीय यहाँ पे देख सकते हैं कि मकान के पीछे आया हुआ है और कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। जिस तरह से यहाँ पे आप दिखाता हूँ कि जो देखें ये भारी भरकम बोल्डर और जो ये रास्ता जो बनाया है, जो ये ऊपर से जो पहाड़ टूटकर दरक आया है, भूस्खलन हुआ है, उस भूस्खलन के कारण यहाँ पे जो नाला सा बन गया है और ये नाला लगातार इसी तरह नहीं आ रहा है, ये डाइवर्ट होता जा रहा है। और कल रात को भी जो भयानक यहाँ पे जो बारिश आई थी, उस बारिश से भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हमारे पीछे आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो
इधर देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो नाला निकल रहा है, ये नाला नहीं है, यहाँ पे कभी खेत खलियान हुआ करते थे, यहाँ पे ज़मीनें हुआ करती थी, जो खेती वाली ज़मीन थी ये सारी तबाह हो चुकी है। क्या हमारे साथ में यहाँ के जो ये जो मकान के स्वामी हैं वो अभी किसी तरह अपने यहाँ घर के मलबे को हटा रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं किसी न किसी तरह इस मकान को सुरक्षित रखा जाए। अब इस तरह से भरसक प्रयास किया जा रहा है और स्थानीय ग्रामीण भी इस ओर लगे हुए किसी तरह इस क्षेत्र को बचा जा सके। अब हल्द्वानी की तस्वीर देखिए, कैसे नाले में आया सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया। मूसलाधार बारिश के बाद कालसिया और देवघड़ी नाला उफान पर आ गए। पानी के साथ मलबा भी आया और इसने रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया। पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा था। नालों का ये रौद्र रूप देख कर लोग सहम गए। हालात बिगड़ने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नाले के आसपास रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। लोगों के मुताबिक बर्बादी का ऐसा मंजर 29 साल में पहली बार देखा। कलसिया नाला पहली बार इतने उफान पर था। पानी इतना तेज बह रहा था कि लोगों को अनहोने का डर सताने लगा था। पहाड़ों में बारिश के बाद कलसिया नाला उफान पर था। कलसिया नाला उफान पर होने के बाद आसपास में जो रहने वाले परिवार थे वो दहशत के माहौल में थे। हम इस वक्त हैं काठगोदाम के कलसिया नाला पर, जहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो ये घर बने हुए हैं ये पूरे दहशत मैं रहे। और क्योंकि पूरी रात जो पानी का मंजर था, जो बहाव था वो बहुत तेज़ी से था और पहाड़ों में लगातार तेज़ बारिश ने यहाँ जो लोग रह रहे थे उनकी धड़कनें बढ़ा रखी थी। और अभी जो 66 परिवार हैं जो प्रशासन द्वारा जो पास का जो इंटर कॉलेज है वहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है और 66 जो परिवार हैं जिनके मकान इस क्षेत्र में हैं वो मकान को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कलसिया के सैलाब में एक बाइक सवार युवक बह गया जिसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। बिगड़े हालात के बीच प्रशासन लगातार लोगों से एहतियात बरतने को कह रहा है। सभी अधिकारियों को पहले ही 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपदा पीड़ितों को कोई दिक्कत ना हो इसे लेकर भी लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में हर बार की तरह इस बार भी मॉनसून की बारिश आफत का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और चंपावत में बारिश से बर्बादी हो सकती है। बारिश के साथ ही नदियों में उफान और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी भी दी गई है। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में भी आफत का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा प्रशासन की ओर से भी लोगों को लगातार सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। खासतौर पर पहाड़ी जिलों में यात्रा कर रहे लोगों को मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।